एक बॉक्स तैयार होता है 10,000 रुपये का। ऑल ओवर अच्छा इंडिया हमारे कस्टमर कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं। अभी इस मार्केट के अंदर ये पतंग की शॉर्ट है, तो इस पतंग की अभी रेट है 180 रुपये की 100। इसकी प्राइस है, अगर जैसे रिटेल प्राइस देखो अपने यहाँ से, तो ये 6 रुपये की पड़ती है। इसका रिटेल प्राइस यहाँ से कस्टमर ले जाके इसको 30 से 40 रुपये की सेल करता है, अपने यहाँ से इसका होलसेल प्राइस है 16 रुपये। कि जाकिर भाई ने अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लिया है, और ख़ास बात ये है उन लोगों के लिए जो जाकिर भाई के साथ बिजनेस डील करना चाहते हैं, और कोई ऑफ़र अगर होता है तो उस चैनल में आपको दिखाया जाएगा। हालांकि उस चैनल का जो लिंक है वो मेरे इस वीडियो के नीचे के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मेंशन किया हुआ रहेगा। अपने चैनल का नाम है शाकिर हुसैन पतंग मर्चेंट। तो दोस्तों, अब जाकिर भाई हमको बताने जा रहे हैं कि कौन कौन से इनके पास पतंगे हैं और कहाँ कहाँ की है, वैरायटी भी बताएंगे, साथ में इनके होलसेल प्राइस भी हमको बताएंगे। तो जाकिर भाई आप बताइए फिर। तो सबसे पहले जो पतंग स्टार्ट होती है ना, वो ये पीवीसी वाली पतंग स्टार्ट होती है। ओके, ये पीवीसी वाली जी, जो बच्चे बहुत ज़्यादा उड़ाना इनको पसंद करते हैं इसमें। हाँ ओके, और इसके मार्केट में अभी होलसेल आप क्या देते हैं? ये हमारे यहाँ से 85 रुपीज़ की 100 पीस पड़ता है, मतलब 85 रुपये की 100 पीस पड़ती है, और ये काउंटर सेल जो होती है ना वो 2 रुपये पीस होती है। ओके, तो यानी कि आपके यहाँ पे अगर हम मिनिमम ऑर्डर जो है, आपने अभी क्या बताया था, मिनिमम ऑर्डर होगा जो सारी वेराइटी की पतंग मिला के, उसमें मांझा भी इंक्लूड होगा, सादा भी होगी, खाली चरखी भी होगी, एक बॉक्स तैयार होता है 10,000 रुपये का। ऑल ओवर इंडिया हमारे कस्टमर कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं, उनको माल डिलीवर हो जाएगा। यानी कि आप कह रहे 10,000 रुपये मिनिमम ऑर्डर होना चाहिए, तब जा कर के आपके होलसेल रेट में यानी कि जो है ये पैकिंग वैकिंग होगी। मिनिमम ऑर्डर लेकिन 10,000 रुपये है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास, उसके बाद में ना ये स्टार्ट होती है, दूसरे नंबर पे ही आती है ये मार्केट के अंदर 3 रुपये की 4 रुपये की सेल होती है, अपने यहाँ से पड़ती है ये 120 रुपये के 100 पीस। ओके, 120 की 100 पीस। 100 पीस, हाँ। उसके बाद इससे बड़ा साइज़ होती है ये 5 रुपये की सेल होती है, अपने यहाँ से पड़ती है ये 150 रुपये की 100 पीस। 150 की 100 पीस। तो गाइस ये है 150 की 100 पीसेस वाली, तो क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है जी की। ये पतंग 150 रुपये की 100 पीस होती है, लेकिन अभी इस मार्केट के अंदर ये पतंग की शॉर्ट है। ये शॉर्ट रीज़न ये है कि ये कबान तिल्ला जो बनता है ना, ये जो आता है जहाँ से, वहाँ पे इसका स्टॉक ख़त्म हो गया, पतंग इतनी बन नहीं पा रही है जितनी की पतंग सेल होती है। तो इस पतंग की अभी रेट है 180 रुपये की 100। ओके गाइस, ये जो पतंगे हैं जहाँ आपको छोटा भीम दिख रहा है और डोरेमोन और भी बहुत सारे यहाँ पर है, तो ये अभी शॉर्टेज चल रहा है, और कारण जाकिर भाई ने बताया इसके जो बाँस है, ये बाँसों के कारण इनका वो चल रहा है इनका। ओके, तो अभी आने वाले समय में इसका कोई फुलफिल हो जाएगा, यानी कि बनने स्टार्ट हो जाएंगे अभी? जी जी, ये जनवरी के बाद। बाकी अभी जो है ना, इसकी प्राइस है 180 रुपये की 100 पीस। 180 रुपये की 100 पीस। ओके, ये 180 रुपये का 100 पीस पड़ता है, और ये 4 से 5 रुपये की सेल होती है। ओके, तो ये बच्चों में ये हमेशा से क्रेज रहा है कि वो छोटा भीम हो, डोरेमोन हो जी जी। तो वो इस तरीके के काफ़ी उनको फैंसी और काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है, क्योंकि जो कार्टून कैरेक्टर है वो कार्टून कैरेक्टर ही वो चाहते हैं कि उनके हाथ में उस तरह की पतंगें रहें। और आजकल के बच्चों को आपको पता ही है कि आजकल के बच्चे कार्टून के ज़्यादा दीवाने हैं, तो उनको अगर इस तरह के पतंगें मिल जाए तो बात ही कुछ अलग है। चलिए और बताइए। ये 2 रुपये 80 पैसे की पड़ती है होलसेल रेट, मतलब 280 रुपये की 100 पीस पड़ती है अपने यहाँ से। ओके, यानी कि 2 रुपये 80 पैसे की एक पतंग है। एक पतंग है। तो गाइस ये भी एक बढ़िया, उसमें आप देख ये सकते बड़े हैं साइज में 27.5 इंची की कमान होती है इसमें। कितनी इंच की? 27.5 इंची की। 27.5 इंच की कमान होती है। ओके, उसके बाद ना एक ये झालर वाली पतंग आती है। ओह, झालर वाली जी, ये वाली। ये 360 रुपये की 100 पीस पड़ती है। 360 की 100 पीस। हाँ, यानी कि ये आ गया आपका 3 रुपये 60 पैसा। 3 रुपये 60 पैसे की होलसेल प्राइस है ये होलसेल प्राइस है। ये 10 रुपये की सेल होती है। ओके, तो अगर हम एक पीस, दो पीस, 10 पीस भी लेने जाए तो ये हमको 10 रुपये पर पीस पड़ रहा है, और अगर होलसेल में अगर हम आपके यहाँ आते हैं तो 360 रुपये के 100 पीस। 360 के जी 100 पीस, ठीक है। यानी कि ये 3 रुपये 60 पैसे का हो चुका है गाइस, एक पीस। और ये पतंग जो मैंने आपको पिछले साल भी बताई थी, डेमो जो बताया था, ये हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। ओके, हाँ,
ये आपके खुद की मैन्युफैक्चरिंग की? हाँ, पिछले साल वाली वीडियो में दिखाया था अपन ने बना करके। हाँ, ये हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है और हम खुद एक हांडीपुरा के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं। हमारे खुद के यहाँ पतंग तैयार होती है, ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग है। तो ये पतंग अपने यहाँ से अभी बढ़ रही है फिलहाल 170 रुपये की 100 पीस। 1.70 रुपये पर पीस आपको होलसेल रेट में पड़ रहा है गाइस। और अगर हम ये मार्केट में अगर सिंगल लेने जाते हैं तो ये 3-4 रुपये की मिलती है। 3-4 रुपये यानी कि एक दुगुना हो जाता है। चलिए, उसके अलावा शाकिर भाई आपके पास जैसे बरेली के आपने बताया और भी है कुछ ऐसे आइटम्स? क्योंकि अधिकतर जो बड़े है वो लोग छतों में जाते हैं तो उनको काफ़ी लंबी टूर तक के लिए वो पतंगें चाहिए होती हैं। तो वैसा एक ही होती है। ओके, इसके अंदर ये प्रिंट तो आएगा, उसके बाद में ये डिज़ाइन भी आ जाता है बीच में। ओके, अच्छा गाइस, इसमें आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको कलर दिख रहे होंगे 1, 2, 3, 4, ये 4 अलग अलग पार्ट है कागज़ के और इनको किस तरीके से चिपकाया जाता है, उसके बाद ये गोला लगाया जाता है, वो सब एक प्रोसेस होता है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और जाकिर भाई के यहाँ पे जब भी मैं अभी दिखा दूंगा, अगर वो पॉसिबल हो रहा होगा, अगर उनके यहाँ बन रहा होगा तो मैं इस वीडियो में भी आपको दिखाना चाहूँगा कि वो किस तरीके से बनते हैं। ठीक है, अब आप हमें दिखा रहे बरेली के। बरेली, ठीक है, तो अब आप बताइए बरेली में आपके पास क्या क्या है? ये मेरे पास में बरेली की ये पतंग है, ये है गिलास दारा एंड मंगलदारा। हाँ, गाइस में गिलास दारा भी है और मंगलदारा भी है। और इसकी क्या प्राइस है, होलसेल रेट और रिटेल? इसकी प्राइस है, अगर जैसे रिटेल प्राइस देखो अपने यहाँ से, तो ये 6 रुपये की पड़ती है। ठीक है, और हमारे कोई होलसेल कस्टमर अगर ऑर्डर करते हैं तो ये पतंग हमारे यहाँ से अभी फ़िलहाल 520 रुपये की 100 पीस है। 520 की 100 पीस है। ओके, और इसको मंजोला बोलते हैं, साइज़ का नाम है मंजोला। और अगर इसके देखो स्टिक के अकॉर्डिंग तो ये 27.5 इंची की स्टिक लगी हुई होती है इसमें। ओके, 27.5 इंच की। हाँ, इसमें और कौन कौन सी वेराइटी है आपके पास? इसके अंदर मेरे पास में एक ही वाली वेराइटी है, ये नाखुनदारा। नाखुनदारा और भी है, इसके बाद में एक ही वाला है। ये सब इसी के पैटर्न हैं, अलग 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 कलर में आ गए हैं जी। गाइस, क्वालिटी मैं कहूँगा क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी है और पहले से काफ़ी बेटर है। पहले भी बेटर ही थी और अभी भी बेटर ही है, कहीं वो नहीं है। पन्नी और बांस एकदम काफ़ी अच्छे उसमें है और गुंथे हुए हैं। और ये आती है फिर गुटाई वाली पतंग, गुटाई वाली, ये भी वही सेम रेट जी। ये 7 रुपये का पीस है और अगर कोई होलसेल में हमसे लेता है, परचेस करता है, तो 600 रुपये की 100 पीस। 600 रुपये की 100 पीस, मतलब 6 रुपये समथिंग। होलसेल का मतलब मिनिमम ऑर्डर 10,000 रुपये का। मिनिमम 10,000 रुपये अगर आपको ऑर्डर देते हैं तब ये होलसेल रेट में। सारी जितनी भी वैरायटी की पतंग होती है वो सब पतंगें आ जाएंगी। और खाली चरखी, मांझा, ये हुआ होलसेल। और जैसे कोई कस्टमर बोलते हैं कि 100 पीस डिलीवर कर दो अपने राजस्थान से बाहर, तो इसमें वही रेट लगेगी जो रिटेल प्राइस जो रिटेल प्राइस में जी। ये चीज़ मेरी, क्योंकि क्वांटिटी अगर वो कम ऑर्डर में वो करेंगे तो एक अगर वो 2-3-4 हज़ार पतंग का ऑर्डर देते हैं तो फिर होलसेल रेट लगेगी। अच्छा, ठीक है। तो ये है अपने रामपुर की पतंग। तो गाइज, ये है रामपुर की पतंग है और इसमें आप क्या होलसेल रेट है, रिटेल प्राइस है जाकिर भाई, ये बता दीजिए। रिटेल प्राइस है इसकी 6 रुपये की यहाँ से पड़ती है अपने यहाँ से। कस्टमर अगर दुकान पर विजिट करके भी लेते हैं 150 पतंग तो 6 रुपये की अपने यहाँ से पड़ती है। और इसको साइज़ के अकॉर्डिंग अद्धा पतंग बोलते हैं इसको। अद्धा, हाँ। और इसकी अगर स्टिक की लेंथ देखी जाए तो ये होती है 3.5 इंची। 3.5 इंची, 3.5 इंची, सॉरी 3.5 इंच जी। ठीक है। अच्छा जाकिर भाई, एक बात बताइए, आपने मुझे बरेली का भी दिखा दिया जी, रामपुर का भी दिखा दिया जी। मेरे जैसा बंदा, हाँ, हमको तो पता ही नहीं रहता कौन सा बरेली कौन सा रामपुर, तो उसके लिए क्या है, हम कैसे, हम मेरे लिए तो ये एक नया सीखने का रहेगा कि ये रामपुर की पतंग है बरेली की पतंग है, तो उसके लिए क्या एक कुछ छोटे मोटे मुझे बता दीजिए। जो उड़ाने वाले बंदे होते हैं ना, वो एक बार पतंग हाथ में लेते वो खुद ब खुद बता देते कि हाँ ये बरेली की है और ये रामपुर की है। इसकी क्वालिटी होती है, बरेली के अंदर जो स्टिक लगाई जाती है उसकी क्वालिटी थोड़ी हल्की होती है, हल्की होती है, हाँ। और बरेली के अंदर जो स्टिक लगाई जाती है ना वो बिल्कुल परफेक्ट वाली और सेलेक्टेड स्टिक लगाई जाती है। ओके, और इसके लिए ना पतंग अलग ही दिखती है कि हाँ ये बरेली की है और ये रामपुर की है, ये इसके पैटर्न है, रामपुर की पतंग है ये, इसके पैटर्न है। ओके,
हाँ इनमें काफ़ी और काफ़ी अच्छे जो है, जहाँ तक इसकी बांस की जो मैं बात करूँ तो बांस भी काफ़ी अच्छे और फिनिशिंग के साथ है इसके, ऐसा जैसे पॉलिश किया हुआ है। जी जी जी। उसके अलावा भी उसमें और कोई पैटर्न्स? अच्छा ये तो बात हुई छोटे मोटे पतंगों की, अब कोई मतलब बड़े बड़े पतंगे भी अपने पास है? जी बड़े पतंग में अपने पास में पौने साइज़ की पतंग है। कितने इंच की? पौने साइज़ की पतंग है, 34.5 इंच की। 34.5 इंच की, वो एक बार आप हमें दिखाइए। ये तो सच में बहुत बड़े बड़े, ये तो लंबी उड़ान के लिए, उसके लिए पेज के लिए। तो इसकी क्या रेट है, क्या होलसेल रेट है, रिटेल प्राइस? हाँ ये अपने यहाँ से ना अभी फ़िलहाल 900 रुपये का होलसेल रेट है इसकी। ठीक है। हाँ 900 रुपये का 100 पीस। 900 रुपये का 100 पीस। हाँ वैसे इसकी रिटेल प्राइस है 1200 पर पीस। 1200 रुपये पर पीस अपने यहाँ की, बाकी यहाँ से ले जाने के बाद में ग्राहक ना इसको 1500 रुपये 1600 रुपये का सेल करते हैं। ओके। हाँ ये बात। अच्छा इनकी पैकिंग तो आप एकदम बढ़िया तरीके से, अगर कोई बाहर अगर ऑर्डर देता है बाहर के लिए जी, तब जी, तो जी। आप यानी कि काफ़ी इसकी अच्छी से पैकिंग वैकिंग करते हैं? पूरा पार्सल पैक होके जाता है। पूरा पार्सल, वो पार्सल पैक हम देखना चाहेंगे जी 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 इस वीडियो में। हाँ कि किस तरीके से अगर कोई होलसेल में अगर आपकी उनकी डिमांड होती है तो किस तरह से आप पैकिंग करते हैं जी जी, कि आप कितना सेफ्टी लेके चलते कि पतंगों को कुछ नुकसान ना हो। तो वो बॉक्स के अंदर ना पूरा माल पैक होके जाता है। एक बॉक्स में ना 4000 पतंग आती है। एक बॉक्स में 4000 पतंगें आती है? जी जी। एक बॉक्स में 4000 भाई, एक बॉक्स में 4000 पतंगें आती है, तो यानी कि उसको बहुत अच्छी तरीके से पैकिंग भी करने का काफ़ी वो रहता है, वो भी वीडियो में अपन देखेंगे। और होलसेल में अगर कोई कस्टमर माल मंगाते हैं ना तो उनका माल बॉक्स में पैक होने के बाद ट्रांसपोर्ट से उनके वहाँ डिलीवर हो जाता है। जाकिर भाई एक बात बताइए, अभी जो आपने पतंगों के जो रेट बताई है ये होलसेल रेट की है, अगर लोकल अपने जयपुर के बंदों को अगर यहाँ पतंगे चाहिए, अब आपको पता है कि कम आज के टाइम में जो महंगाई बढ़ रही है वो असर दिख रहा है लोगों के, पतंग हो या मांझे हो सब में दिख रहा है, तो उसके लिए क्या आप अपनी तरफ से सजेशन देना चाहते हैं कि मिनिमम ऑर्डर उनके लिए, कि आप उनको भी कुछ बेनिफिट दो कि लोकल जयपुर के बंदों को अगर जिनको ख़रीदना है, जो पतंगबाज है जिनको पतंग उड़ाने का शौक़ है, तो उनके लिए आप ऐसा कुछ ऑफ़र लेके आए हो या क्या? तो मैं उनको यही सजेस्ट करूँगा कि एक एक बंदा आकर के जो परचेस करते हैं इससे बेटर रहेगा कि 4-5 बंदे एक साथ आएँ और एक साथ इकट्ठा माल परचेस करें, तो उसमें उनको थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा। मिल जाएगा जी। और कितना समथिंग यानी कि उनको मिनिमम ऑर्डर होना चाहिए? जैसे सिंगल पर्सन का 2000 रुपये का मिनिमम ऑर्डर होना चाहिए। सिंगल पर्सन का? और उसमें तकरीबन कितने पतंगे ऑलमोस्ट आ जाती हैं? पतंगे वो अगर शॉप पे विजिट करके लेते हैं तो जितनी वो कहेंगे उतनी मिल जाएगी। ओके। और अगर ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं कोई तो वो मिनिमम मांझा और पतंग मिला के मिनिमम ऑर्डर 2000 रुपये का होना चाहिए। ओके ठीक है। दोस्तों बात हुई थी यहाँ पे पतंगों की, चरखियों की, मांझों की, ठीक है, हमने पन्नी वाली पतंगें देखी, हर तरह के वैरायटी, बरेली की, रामपुर की, लेकिन हमारा जयपुर भी इस मामले में पिछड़ा नहीं है, हमारा जयपुर भी आगे है, और इस बार जयपुर फैंसी पतंगें जो काफ़ी टाइम से आ रहा है और जाकिर भाई के पास यहाँ अवेलेबल है, होलसेल रेट में और रिटेल प्राइस दोनों में ही अवेलेबल है। और जाकिर भाई बताएंगे कि इसका क्या रेट है होलसेल और रिटेल में, तो जाकिर भाई बताइए। इसका रिटेल प्राइस यहाँ से कस्टमर ले जाके इसको 30-40 रुपये की सेल करता है, अपने यहाँ से इसका होलसेल प्राइस है 16 रुपये। 16 रुपये रेट है इसमें। ओके। और इसमें जो दिख ही रहा है कि जो झालर है जब वो हवा में लहराएंगे तो ये भी साथ में बहुत अच्छा वो करेंगे, तो इसमें येलो कलर भी है, उसके अलावा भी आपके पास और भी काफ़ी और भी पैटर्न है, पैटर्न बहुत मिलेंगे इसके अंदर, एक ये पैटर्न है दोस्तों, साथ में ब्रिटिश फ्लैग भी है और इसको उड़ाना ज़्यादा अच्छा है। हाँ तो ये भी सेम, ये वही है, 16 रुपये का पड़ेगा होलसेल प्राइस में। ठीक है गाइस, इस तरह के भी 16 रुपये के ही पड़ेंगे आपको होलसेल। एक इसका पैटर्न ये वाला है, ये भी अच्छा है, ये भी 16 रुपये का पड़ता है होलसेल प्राइस में। ये 16 रुपये, आप 100 पीस लें या 200 पीस लें 16 रुपये के हिसाब से मिलेगा। मुझे क्या कितना मीटर मतलब कितना जी? इसमें 34.5 इंच की कमान लगी हुई होती है। 34.5 इंच की कमान? हाँ ठीक। और एक ये बड़ा वाला आता है, ये बड़े वाले। हाँ इसकी क्या प्राइस है? इसकी प्राइस है अपने यहाँ से 18 रुपये का, बाकी ये 50-60 रुपये का सेल होता है। गाइस 18 रुपये पर पीस है और जाकिर भाई के यहाँ पे होलसेल रेट बता रहा हूँ। हाँ होलसेल रेट की 18 रुपये का अपने यहाँ से पड़ता ही है, और रिटेलर जो यहाँ से ले जाके इनको बेचते हैं ये 50-60 रुपये का सेल करते हैं इसको। देखिए आप क्या इसमें भी कुछ मिनिमम क्वांटिटी
क्वांटिटी अपने यहाँ से लेंगे तो कम से कम मिनिमम क्वांटिटी 100 पीस, 100 पीस तब होलसेल रेट लगती है। गाइस 100 पीस कम से कम मिनिमम ऑर्डर पे आपको ये होलसेल रेट में लग जाएगा। और बाकी जाकिर भाई से आप कांटेक्ट करिएगा अगर इसमें थोड़ा हो सकता है, जाकिर भाई से आप, क्योंकि जाकिर भाई मना नहीं करेंगे, तो एक बार आप उनसे कांटेक्ट करिएगा अगर आपको इस तरह के फैंसी पतंगों के लिए वो चाहिए अगर होल सेल रेट में सही दाम, तो जाकिर भाई कर देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। जाकिर भाई सही बात, ठीक है भैया। चलिए ये भी सही है, काफ़ी अच्छे इसमें। और ये समथिंग कितना इसका वो होगा? ये 42 इंची की कमान होती है इसमें। 42 इंच की कमान, तावा झालर बोलते हैं इसको। क्या कहते हैं? तावा झालर। तावा झालर, हाँ। इसका मतलब, इसका साइज को बोलते हैं तावा। तावा। और अगर वैसे अगर लेंथ के हिसाब से समझो तो 42 इंची की कफन लगी हुई होती है इसमें, 42 इंची का होता है। अच्छा, हाँ। ओ, इस बार तो इन्होंने पूरे फाइटर जेट के साथ ही इनको लॉन्च कर दिया पतंग को। हाँ। और ये 250 रुपये का सिंगल पीस। कितने का? 250 रुपये का रिटेल प्राइस। रिटेल प्राइस, हाँ। होलसेल प्राइस है इसकी 230 रुपये। गाइस इसमें खास बात ये है कि इस बार पतंगों की वेराइटियाँ काफ़ी अच्छी आई है और आसमान को वापस सुंदर करने के लिए काफ़ी तैयारी के साथ इस तरह के डिज़ाइन तैयार किए गए हैं और मुझे तो काफ़ी यूनिक भी लगे और काफ़ी क्वालिटी में भी काफ़ी अच्छा वो लग रहा है इनका। और इस बार जाकिर भाई के पास थोड़े यूनिक तो क्या, बहुत सारे यूनिक आइटम आए हैं। तो जाकिर भाई ये होलसेल में क्या है? 230 रुपये होलसेल में, ये 230 का है। ये भी बहुत बढ़िया है, इंटरेस्टिंग है इस बार तो जो आए हैं इस तरह के। तो दोस्तों जैसा कि है कि अब मैं यहाँ से विदा ले रहा हूँ और जाकिर भाई जी ने मेरे बच्चे के लिए गिफ्ट दिया है कुछ, तो प्रत्यक्ष ही आपके लिए है और जयपुर वेस्ट की तरफ से आपको भी बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो सबसे पहले चरखी दी है और पतंगे दी है जाकिर भाई ने, तो इंशाल्लाह आपका शॉप हमेशा ऐसे करता रहे, बनता रहे। तो ठीक है, धन्यवाद। तो दोस्तों जैसा कि आज जो वीडियो है वो कंप्लीट बन चुका है, अभी अलविदा भी लेना चाहूँगा जाकिर भाई से, लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देनी है कि जाकिर भाई ने अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लिया है और ख़ास बात ये है उन लोगों के लिए जो जाकिर भाई के साथ बिजनेस डील करना चाहते हैं और कोई ऑफ़र अगर होता है तो उस चैनल में आपको दिखाया जाएगा। हालाँकि उस चैनल का जो लिंक है वो मेरे इस वीडियो के नीचे के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मेंशन किया हुआ रहेगा। तो सबसे पहले आप उस लिंक को जा कर के क्लिक करें, उसे सब्सक्राइब करें, जिससे कि जाकिर भाई के जो भी ऑफर्स हैं वो आपके पास सबसे जल्दी पहुंचे और आप उसका फ़ायदा उठाएं। तो जाकिर भाई, तो आपके उस छोटे से चैनल के बारे में हमें कुछ बताएंगे? चैनल के बारे में यही बताऊँगा, अपने चैनल का नाम है शाकिर हुसैन पतंग मर्चेंट, जो कि मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो दोस्तों अभी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दे ही दूँगा, तो आप उसको जल्दी से जल्दी जा कर के सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपके पास इमीडिएट जाकिर भाई के जो भी उसमें अपडेटेड वीडियोस हैं वो तुरंत आपके पास पहुंच जाए और आप उसको नोटिफाई करें। शॉप पर अगर विजिट करें और आप मेरा नंबर ऐड कर लें अपने मोबाइल में, और आपको एड्रेस पता ना हो तो आप मेरे को व्हाट्सअप पे हाई करें, मैं लोकेशन सेंड कर दूँगा, आप आसानी से दुकान तक, शॉप तक आप पहुँच पाएंगे। तो दोस्तों एक बेनिफिट ये भी हो गया, अगर आप जाकिर भाई को अगर कॉल भी करना चाहते हैं या व्हाट्सअप करना चाहते हैं, ईमेल भी करना चाहते हैं, तो वो तीनों तरफ से आपके लिए अवेलेबल है। तो जाकिर भाई आपसे मिलकर अच्छा लगा और हम चलते हैं फिर वापस एक नए उससे एक शुभकामनाओं के साथ कि अगली बार जब आएंगे तो इससे भी मच बेटर होगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद।